हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरनमेंट और हम पढ़ेंगे आज इसका चैप्टर नंबर 7। 41 पेज पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 है द एनिमल वर्ल्ड, यानी जानवरों का जो पूरा इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स हैं, वो कितने कितने तरह के होते हैं। तो आदित्य प्लान्ड अ विजिट टू द जू विद हिज फैमिली। ही वाज वेरी एक्साइटेड टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देयर। दे वर ऑफ वेरीड साइज एंड शेप्स। लेट अस ऑल्सो स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो आदित्य जू जा रहा है अपने परिवार के साथ और उसने वहां पर बहुत सारे जानवर देखे, उनके बारे में वो पढ़ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो एरिया जहाँ पर वो रहते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कि जो एलिफेंट, लायन और डॉग हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं क्योंकि ये जमीन पर रहते हैं। जो फिश, ऑक्टोपस और स्क्विड है, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल और सेलेमेंडर, क्योंकि ये पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। और कुछ बुरोज में रहते हैं जो नीचे बिल बनाकर रहते हैं, जैसे रैट, स्नेक और मोल। अब इनकी शेप भी अलग अलग होती है बच्चों, जैसे कि स्नेक और अर्थवर्म है, ये लंबे लंबे सिलेंडर मतलब लंबे लंबे रोड शेप की इनकी बॉडीज होती हैं। जो बर्ड्स और फिश हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब कि ऊपर आगे से और पीछे से पतली और बीच में से मोटी। जो फ्रॉग्स हैं और टोड्स हैं उनकी स्क्वैट बॉडी होती है। जेलीफिश, ऑक्टोपस की एक पैराशूट शेप की बॉडी होती है। अब मूविंग अराउंड, कैसे वो आजू बाजू घूमते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे बच्चों। अब है हमारा टेल्स इन एनिमल्स। तो बच्चों टेल्स इन एनिमल्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और इस पार्ट के साथ बच्चों आपको एक्सरसाइज वर्क सेंड किया जाएगा, ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।